अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अपराधी मस्त और व्यापारी चोरी की वारदातों से त्रस्त है। इस बात का बड़ा असर शनिवार को अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में उस वक्त देखने को मिला जब व्यापारियों ने विगत कई दिनों से हो रही इलाकों में चोरियों को लेकर अनिश्चितकालीन दुकानों को बंद कर दिया है। इस दौरान मौके पर व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए मौजूदा हालातों के लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं हालातों में तुरंत प्रभाव से बदलाव लाए जाने को लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार से मांग करते हुए पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद बनाए जाने की मांग उठाई गई है। इस बात को लेकर स्थानीय राजगढ़ व्यापार समिति से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की चोरी की वारदातों को लेकर लगातार इलाके से जुड़े उपखंड अधिकारी व राजगढ़ सीओ को इस मामले से अवगत कराया, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस व उच्च अधिकारियों की लापरवाही के चलते चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने की बजाय बीती रात चार दुकानों के ताले टूट गए और चोर अपने साथ लाखों का सामान लेकर गायब हो गए हैं। इस बीच व्यापारियों द्वारा पुलिस को तमाम वह सबूत भी दिए गए जिनके आधार पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर चोरों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी को लेकर सोई हुई है। ऐसे में उन्हें मजबूरन इस तरह का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए दुकानों को बंद रखना पड़ रहा है। राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विगत कुछ समय से चोरी की लगातार घटनाएं घटित हो रही है और प्रशासन को इस बारे में बार बार अवगत कराने के बावजूद भी आज तक एक भी चोरी या चोरी की वारदात या अपराधी एक भी आज तक जो है पकड़ा नहीं गया है। इस संबंध में हमने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया, माननीय DYSP महोदय को मिलने गए, लेकिन वो हमसे बिना मिले पहले ही रवाना हो चुकी थी, हालांकि उन्होंने टाइम भी दे रखा था। राजगढ़ में अपराधी मस्त है और व्यापारी त्रस्त है। व्यापारी दुकानों में भी प्रतिष्ठानों में भी चोरियां हुई है। आज भी रात को चार ताले टूटे हैं और पुलिसकर्मी उनको एक को भी नहीं पकड़ पाए। इस तरह से लाखों की चोरियां विगत कई दिनों में क्या मांगे हैं आज अपने बाजार बंद रखा है क्या क्या बाजार हमने अनिश्चितकाल के लिए बंद किया है। राजगढ़ व्यापार महासंघ ने आह्वान किया है और हमारी मुख्य तीन मांगे हैं, अपराधियों का को पकड़ा जाए, माल की बरामदगी हो, राजगढ़ से जो पुलिस प्रशासन है उस पर व्यापारियों का भरोसा उठ चुका है। हमने व्यापारियों ने उनको सारे प्रूफ दिए, यहाँ तक के उनके CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह भी उनको उपलब्ध कराई, लेकिन उसके बावजूद भी छह दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर पाया। इसलिए व्यापारी उनसे बिल्कुल त्रस्त है। व्यापारी का यहाँ के पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ चुका है। अतः हमारी यह भी मांग है कि राजगढ़ के पूरे स्टाफ को, पुलिस अधिकारी सहित पूरे स्टाफ को बदला जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, माल की बरामदगी हो, उससे पहले हम कोई बाजार नहीं खोलें। बाजार में लगातार 15 दिन से लगातार चोरियां हो रही हैं। दो दिन पहले चोरी हुई, आज सरेआम चार मेन बाजार मेन जगह चौपड़ बाजार में जब 12-1 बजे तक लोग घूमते और यही 12-12:30 बजे के करीब इनकी चोरी हुई और सारे व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया है। अब तो सारे व्यापारी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे तो, और सावे होने के कारण भी हम अनिश्चितकालीन बंद करेंगे और जब तक हमारी चोरियां बरामद नहीं हो तब तक हमारी डिमांड यही है, हम चोरियां बरामद हो और चोर पकड़े जाए, आगे से आइंदा चोरियां नहीं। पुलिस प्रशासन क्या और प्रशासन क्या, सभी प्रशासन इस तरीके की बात कर रहा है, ना ही व्यापारियों को कोई सहयोग मिला है न किसी प्रकार की हुआ है। खाली आश्वासन मिलता है कि चोरियां पकड़ी नहीं आएगी, लेकिन चोरियां अभी तक कोई नहीं पकड़ी गई। हम अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे, कोई हमारा व्यापारी कराने नहीं जाएगा, पुलिस प्रशासन सारा यहीं पर ही आएगा, हम कोई नहीं जाएंगे।